And का स्टूडेंट जब फिल्म मेकिंग बाय थियोरी का क्लास होने के बाद में स्टूडेंट को प्रैक्टिकली वो सारी चीजें करके देखनी है बच्चों ने एक कहानी तैयार की और वो कहानी थी पूरा के पूरा जो दो या तीन लोगों का जो मिशन है अवकाश यान में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं जो वी का जो फील्ड है उसका इस्तेमाल करके एक्टर को अलग अलग एंगल से शूट करके पीछे उस उसी तरह के मेड पेंटिंग या थ्री के बैकग्राउंड बना के उसको अच्छी तरह से कंपोज किया जाता है और उस कंपोज करने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो तो बहुत अफराजुन होता है बहुत सारे बच्चों को जो है ऐसा अंदाज़ा है कि वी मतलब क्या एक ग्रीन स्क्रीन लगा लिया शूट कर लिया और किसी वी के सॉफ्टवेयर में उसको पीछे बैकग्राउंड चेंज कर दिया तो काम हो गया इतना नहीं है बल्कि वी एफ एक्स एक बहुत बड़ी कला है वी एफ एक्स एक जादूगरी है हमने स्टार्टिंग में शूट किया था तो हमने क्रोमा पे ना एक्चुअली शूट किया था वो आ, हमारे सामने का शूट किया था उसको हमको एक मतलब माइक्रोस्कोप में दिखाना था कि वो माइक्रोस्कोप में खड़ा है और वहाँ से ना वो आ, जो भी है ना हमारी अगली को एक्ट्रेस थी उसको हाथ करके आवाज़ दे रहा है और उसके बाद हमने है ना थोड़ा सा मतलब है ना उसके वो माइक्रोस्कोप के बाहर आता है और उसके हाथ पे चढ़ के वो थोड़ा सामने आता है तो उसका ट्रैकिंग कैसे करना है उसको मैच कैसे करना है ये पूरा हमको वहाँ पे सीखने को मिला सर अभी जो हमने एक प्रोजेक्ट किया था वी का जिसका नाम था स्मॉल बॉय एक सीन था कि उसके हाथ में बॉल है और बॉल खेलते खेलते उस पर वो लिक्विड वो लड़की फेंक देती है तो वो छोटा हो जाता है तो चैलेंज यह था कि यह बंदा जो अभी छोटा हो गया साइज में वो उस जगह से अपनी लैब तक लेबोरेटरी तक कैसे पहुंचेगा और वहां जाके उसका जो एंटीडोट है, वो उसके ऊपर कैसे गिरेगा और वो कैसे बड़ा होगा जब मैं पहले सेमेस्टर में था तब मुझे एक वीएफएक्स ओरिएंटेड प्रोजेक्ट जो वीएफ स्टूडेंट प्रोजेक्ट था उसमें एज ए लीड एक्टर काम करने का मौका मिला पर जब आप जब वी के प्रोजेक्ट में काम करते हो तब तो आपको वो सब इमेजिन करना पड़ता है इसलिए एक्टर का कंसंट्रेशन भी एकदम प्रॉपर अच्छा होना जरूरी होता है क्योंकि आपको चीज़ें इमेजिन करनी होती है आपके आजू बाजू बस एक ग्रीन क्रोमा होता है जिसमें आपको वो सब सराउंडिंग भरना पड़ता है अपने मन से और उसके हिसाब से आपको एक्टिंग करनी पड़ती है एंड नाउ द डूडेंट कि उसका जर्नी क्या होगा सबसे पहले तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा फिर वो वहाँ से जाने की कोशिश करेगा कोई बॉल खेल रहा है तो वो बॉल उसके ऊपर आएगा अभी वो जो बॉल हाथ में लेके फेंकता था, था एक जमाने में वो बॉल उसके सामने एक बड़ा गोले की तरह बन गया है उसके बाद में वो दोस्तों को बोलने की कोशिश कर रहा है तो वो तो झगड़ा कर रहे हैं आपस में उस उनका इसकी तरफ ध्यान नहीं है तो अरे भाई बचाओ अभी अभी ये कहीं किसी के पाँव के नीचे में मसल न दिया जाऊँ मैं अगर कोई पत्ता है नहीं तो कोई पेड़ है उसके पीछे से अगर वो आने वाला होगा तो उसको हम कैसे मैच करें ये पूरा हमको है ना यहाँ पे सीखने को मिला मतलब इंडस्ट्री में जाके है ना हमें मूवीज़ में जो काम करना है वो हमें यहाँ पे करने को मिला स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से इस फील्ड में जो भी बच्चे अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है हम देख सकते हैं कि औरंगाबाद में भी अभी एक पूरी फिल्म सिटी डेवलप हो रही है और इस फिल्म सिटी डेवलप करने में एम एम स्कूल ऑफ फिल्म आर्ट का बहुत बड़ा पार्ट है हमारे जो कुलपति है अंकुशराव कदम जी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सपना देखा है उनका सपना है कि जो मुंबई और बेंगलोर की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसी को पैरेलल यहाँ पे उसी तरह के इक्विपमेंट्स उसी तरह के साधन ये सारा माध्यम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर औरंगाबाद में स्थापित कर दिया गया है और आने वाले भविष्य में यहाँ के बच्चों को और भारत के सभी बच्चों को इसकी बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी यहाँ के मिलने की गारंटी है कि आने वाले समय में जिस तरह से पुणे या मुंबई बेंगलोर हैदराबाद में जो फिल्म साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है उसी तर्ज पर यहाँ पे फिल्मों के काम होंगे फिल्में बनेगी और बाकायदा वो थिएटर में रिलीज भी होगी जैसे एक डॉक्टर उस सारी थरी को प्रैक्टिकल को प्रैक्टिस को फॉलो करके डॉक्टर बनता है वैसे ही फिल्मों में जिनको करियर करना है वो भले एक्टिंग हो डायरेक्शन हो सिनेमाटोग्राफी हो वी हो या जो भी ये सारे जो सात आठ हमारे मेजर एलिमेंट्स हैं प्रोडक्शन डिजाइन हो इस किसी में भी आपको अगर करियर करना है तो आपका बिल्कुल स्वागत है लेकिन आपको उस तैयारी से आना होगा कि जैसे प्रोफेशनली एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इंजीनियर बन के कॉलेज से बाहर निकलता है जैसे मेडिकल साइंस का एमबीए का या कोई और स्ट्रीम हो आर्किटेक्चर का वो स्टूडेंट जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन लेके इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार होता है हमें भी फिल्म मेकिंग का प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोफेशनल एजुकेशन पूरा करना पड़ेगा अपना काम हमें दिखाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम सक्सेसफुली अपनी करियर इंडस्ट्री में बना सकते हैं